जी टेली फिल्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो अनुच्छेद 12 से संबंधित है, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन से संबंधित है। जी टेली फिल्म ने रिट पिटीशन फाइल की थी और उनका मानना था कि जो बीसीसीआई है वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, यानी कि बीसीसीआई यानी कि बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो है वो स्टेट है। इसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो बीसीसीआई है इसमें ना तो स्टेट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियली, ना स्टेट इसको एडमिनिस्टर करता है, ना ही तो बीसीसीआई की जो क्रिकेट के मामले में जो मोनोपोली है वो स्टेट कन्फर्ड है। ऐसा नहीं है कि राज्य ने उसको मोनोपोली दे रखी है, ना ही स्टेट ने उसको कोई प्रोटेक्ट कर रखा है। फाइनेंशियली भी कहीं जो है किसी भी काम के लिए बोर्ड को स्टेट कोई प्रोविजन या फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करवाता है, ना फंक्शनैलिटी में उसमें स्टेट का कोई रोल है, ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट का कोई रोल है, और केवल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चलते जो है बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना जा सकता। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, और ये ऐसा जजमेंट था जिसमें जो क्रिटिक थे उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बीसीसीआई को स्टेट नहीं कहा है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन वो लोगों की अपनी क्रिटिसिज्म है। जो देश का कानून वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट फाइनली इंटरप्रेट कर दे, और इस मामले में क्योंकि इंडिविजुअल केसेस में जहां पर भी कोई बॉडी या कोई इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो स्टेट है या नहीं, ये इंडिविजुअल केसेस में उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। और इस मामले में ये कहा था जो कि जी टेली फिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसको बीसीसीआई केस के नाम से भी हम जानते हैं कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, बीसीसीआई स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई जो है फाइनेंशियली फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेट के द्वारा डोमिनेटेड या कंट्रोल्ड नहीं है।